पॉइंट करना मैं बोल रहा सर मैं एक लड़का है मेरे जिहड़ा गुआंढ च रहिंदा है 9 साल तो मेरे नाल रिलेशन दे विच हैगा सी पूरी फैमिली नूं साडे रिलेशन दे बारे पता सी ठीक है हुण सिर्फ वेखो मैं थाणिआं दे वी इन्ने चक्कर लगा रही हाँ इन्ना मैं बहुत चक्कर लगाए है बहुत ज़्यादा परेशान हुई हाँ मैं किसी ने भी मेरी सुनवाई नहीं की पहली गल तो परचे ही बहुत लेट किए इन्होंने हूँ जो परचे किए भी है तो एक महीने तो उपर हो गया इन्होंने अरैसट ही नहीं पाई किसी एक भी परसन की सर 376 का परचा होया देखो एक तो मेरे नाल खिलवाड़ करता रहा उपरों जो तो शादी की गल की है तो उन्होंने मेरी जाति नीवी जाति कह के कि एस सी कास्ट तो बिलोंग करते हो असं ठाकुर होंगे हाँ असं मैरिज नहीं करवा सकते इतने लोहगढ़ गेट का है सर लड़का भी ठीक है मैनू इंसाफ दिलवाया जाए हाँ मैनू मेरी भैन मेरी भैन 9 साल तो रिलेशन ची सर मैनू फिर श्रुति मैम बारे किसी ने दसिया मैं श्रुति मैम को अच्छ गई हाँ मैं इन्होंने तो बहुत आसा उम्मीदा कि मैं इंसाफ दिलवाएंगे थाना डी डिवीजन के हाँ जी एस एच ओ साहब इतने गए थे रणजीत एस एच ओ साहब है ठीक है उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं की होर मैं उन्होंने प्रेसराइजर किया कि जे परचे करवाएंगे वकील बाद चो बहुत नंगिया करते होंगे तो इस तरह का कुछ ना करवाई मैं हूँ श्रुति मैम को आई अज रोबिन सर मिले है उन्होंने मेरी गल सुनी है देखो हूँ उन्होंने तो भी मैं उही उम्मीद करती हाँ कि मेरी हेल्प करन ते मैनू इंसाफ मिले ना इंसाफ दिलवाया गया देखो सर मैं फिर की मैं सुसाइड कर ला फिर मैनू इंसाफ नहीं मिलेगा तो एक तो मेरी जाति मतलब मैं बहुत गलत जाति दे विच पैदा हो गई हूँ एक तो मेरी जाति दे पहला मेरे नाल रिलेशन बनाते रहे मेरे नाल रहिंदे रहे हूँ मैनू कह रहे हैं कि तेरी जाति छोटी है असीं तेरे करके तां करके मैरिज नहीं कर सकते देखो मैनू मैं तो यो ही कहांगी कि मैनू इंसाफ दिलवाया जाए हूँ मैनू श्रुति मैम तो भी बहुत उम्मीद है कि मैं इन्हां कोल गई हाँ मेरी सिस्टर वांगे गया कि मैनू मैम प्लीज़ इंसाफ दिलवाया मैं श्रुति विच महिला मोर्चा प्रेजिडेंट भारतीय जनता पार्टी मेरी ये भैन मेरे को आई है कि पहले तो मैं तुहाडा चैनल देख रहे सबको पूछना चाहवागी कि अनुसूचित जाति चो पैदा होना कोई पाप है क्यों अज मेरी भैन नू महीना हो गया FIR दर्ज कराए हुए नू इस करके पहले लड़का उहदे नाल शरीरिक संबंध बनांदा है 9 साल तुहानू पता नहीं लगता कि अनुसूचित जाति तो पैदा हुई है 9 साल तो बाद जो उहदे नाल विआह कराना चाहती हो कहती है घर दे सारिआं नू पता हुंदा है कि कुड़ी दे नाल विआह होना है जो उहदे घर दे विआह करन लई कहिंदे ने कि बच्चों का विआह कर दिता जाए तो कहिंदे ने कि असीं इस जाति च विआह नहीं करना की गल कोई गुनाह है अनुसूचित जाति च पैदा होना पंजाब च कोई गुनाह है अनुसूचित जाति च पैदा होना उस तो बाद मेरी भैन थाने आती है SHO भी उन्होंने धमका बड़ी मुश्किल वो घर के थाने च कंप्लेंट पा के कि अपनी FIR दर्ज करवाते हैं बड़ी मुश्किल FIR उन्होंने दर्ज होंगी है उस तो बाद महीना हो जाता है किसी न भी अज तक रिहा नहीं किया जाता क्यों नहीं किया जाता क्योंकि वह अनुसूचित जाति च पैदा हुई है वह गुनाह है इस करके नहीं किया जाता पंजाब च किसी भी महिला नू कोई भी प्रॉब्लम होएगी भारतीय जनता पार्टी उहदे नाल खड़ी रहेगी मैं अपनी भैन दे नाल खड़ी रहांगी मैं अपनी भैन नू पूरा आश्वासन दिलांदी हां कि मैं उहनू पूरा दे पूरे सारे अंदर करा के ही रहांगी और उहनू इंसाफ दिलवा के ही रहांगी मैं SHO नू भी कहा है कि मेरी भैन नू इंसाफ दिलवाया जाए जे मेरी भैन दे जिहड़े भी कंप्लेंट ने 4 जणिआं दे अंदर कंप्लेंट दर्ज हैगी है जे कंप्लेंट वाले नहीं फड़े जांदे सर कोल तो मैं 14 तरीक में क्योंकि बाबा भीम राव अंबेडकर जी का जन्म दिहार है वो मैं इस तरह ही मावा मनावगी क्योंकि बाबा भीम राव जी के अनुवाई ने ते मैं बाबा भीम राव अंबेडकर जी के सामने धरना ला के अपनी भैन नू इंसाफ दिलवावगी और आम आदमी पार्टी की सरकार तो भी यह उम्मीद करांगी कि महिलावां दे तो वह हमेशा दोगुली राजनीति करते हैं महिलावां नू वोट बैंक समझते हैं महिलावां नू वोट बैंक बिल्कुल ना समझ दिया जाए महिलावां नाल भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहेगी और भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा 14 तरीक नू बाबा भीम राव
बाबा भीमराव अंबेडकर जी के सामने बैठेगा और अपनी भैन नूं इंसाफ दिलवा के रहे। जी साढ़े परचा दंसोशियतर एससी एक्ट का परचा दर्ज होया वा जी, तो पिटीशन अपनी जी साढ़े को चल रही है वो संबंधी लड़की अज पेश हुई सी आ के आप जल्द तो जल्द जो कि है अक्यूज उन्होंने पढ़ा सर कि चार अक्यूज गए आप आइडेंटिफाई करके जी जिते जिते रहेंगे उन्होंने घर रेड करके आप कोशिश कर रहे उन्होंने पढ़ा। बिल्कुल जी बिल्कुल जी।